हाँ जानती हूँ, मतलब से ही याद करते हो। बोलो अब क्या हो गया, क्या चाहिए? ऐसा तो ना कहो आपा, आप तो मुझे हमेशा याद आती हो, मगर क्या करूं। अच्छा अच्छा छोड़ो, अब काम की बात करो, क्या हो गया है, क्या चाहिए? आपा वो मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है, नया मकान लेने की सकत नहीं है। आपा वो किराया और एडवांस भी बहुत ज्यादा है। एक दो रोज में भेजती हूँ पैसे। और सिराज अपने बेटे को काम पे लगाओ, जवान हो गया है, जिम्मेदारी दो उसे। करता है आपा काम, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है आपा। इतना घमंड है आपा को, मुंह पे ही फोन बंद कर दिया। आप बताएं, आप रात से क्या बात करना चाह रहे थे जो बच्चों के सामने कह नहीं पा रहे थे? भाई वो अपने मिर्जा साहब है ना, वो नुक्कड़ वाली पान की दुकान के हाँ, साथ हाँ, है। मैं समझ गई, क्या हुआ उन्हें, सब खैरियत? वो मिले थे, उन्होंने अपने बेटे बकार का रिश्ता दिया है सबाहत के लिए। क्या? अभी वो कल दोपहर मिले थे गली में, तो कहने लगे कि उन्हें सबाहत बेटी बहुत पसंद है और अगर हमारी इजाजत हो तो वो रिश्ता लेकर आ जाएं। उनके तो दो बेटे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे वकार का जिक्र किया है, दूसरा बेटा तो सबाहत से छोटा होगा। ये वही लड़का तो नहीं जो चश्मा लगाता है? हाँ वही है, शरीफ बच्चा है, पढ़ा लिखा है, बता रहे थे कि किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है। रफीक, मुझे तो ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लग रहा है और लोग भी देखे वाले हैं। तो फिर बुला लूं उन्हें? नहीं, आप सबाहत से पहले पूछ लें। अरे भी सबाहत को आप अच्छी तरह जानती हैं, उससे बात करेंगे तो ठग से इनकार कर देगी। हाँ ये भी है, तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल में उनको आने दिया जाए, बाकायदा रिश्ता ले आए पहले वो, उसके बाद सबाहत से भी बात कर लेंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें बुला लें, लेकिन सबाहत को ना पता चले। मुझसे पूछेगी तो मैं कहूंगी वैसे ही आए, वैसे भी मिर्जा साहब आपके दोस्त हैं, वो कोई सवाल नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आप मुनासिब सब। हाँ भाई, सबात बहुत जीनियस है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, 2 साल जूनियर थी मुझसे, मेरी अच्छी दोस्ती थी उससे, अभी अचानक 3 साल बाद मुलाकात हुई। हैरत की बात है भाई, भैया की जुबान से लड़की का नाम मैंने, इनफैक्ट अम्मी आपने भी पहली दफा सुना होगा, और वो भी दोस्त है। हाँ वो सबात बहुत जीनियस है ना, अम्मी थी यूनिवर्सिटी में, टॉपर थी अम्मी, मुझे तो हमेशा ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। क्या वक्त अपने आप को दोहरा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वक्त अपने आप को दोहरा नहीं सकता। तुम तो बहुत ही जीनियस हो, और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। पता है मैं डिग्री से ज्यादा जहानत और मेहनत पर यकीन रखता हूँ। ग्रेट वर्क, फैबुलस। Sir, can I? Thank you.